हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है और एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। आज आपके लिए एक स्ट्रेटजी लेके आया हूँ जिसके ऊपर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। जी हाँ, मेरी फेवरेट स्ट्रेटजी है। मैं जब भी अगर किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल करता हूँ तो ये मेरी फेवरेट स्ट्रेटजी बन जाती है। मैं इसी के बेसिस पे क्रॉस चेक करता हूँ कि क्या वाकई कोई ब्रेकआउट आ रहा है इंडिकेटर के बेसिस पे। हालांकि जो प्रोफेशनल क्लासेस है वहां मैं कोई भी इंडिकेटर बेसिस स्ट्रेटजी नहीं डिस्कस करता हूँ, बट अगर आप क्लासेस नहीं आ सकते हैं, अगर आपको कोई ऐसा स्ट्रेटजी चाहिए जिसके ऊपर आप ट्रेड करें, एक स्विंग ट्रेडिंग कर सके, तो ये स्ट्रेटजी को आप बैकटेस्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी है, बहुत ही सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है, मेरी फेवरेट स्ट्रेटजी है, जो पहले मैं वीडियो बना चुका हूं इसके ऊपर, बट यहां पे नए तरीके से नए एग्जांपल्स के साथ में इस स्ट्रेटजी को देखने की कोशिश करते हैं। तो सर, चैनल पे आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को हिट रखें ताकि हम रोज मिल सके। बेल नोटिफिकेशन हिट करने से हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। और दोस्तों, मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए ताकि हम और आप डेली मिल सके, डेली बाजार के बारे में किसी न किसी मीडियम से डिस्कशन कर सके। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं मूविंग एवरेजेस की। जी हां, मूविंग एवरेज होती क्या है पहले वो समझ लेते हैं। मूविंग एवरेज बेसिकली, अगर आप इस प्राइस को देखने की कोशिश करें, कभी प्राइस हाई बनाता है, कभी बाजार नीचे आता है, फिर प्राइस एक ऊपर हाई बनाता है, फिर एक नीचे आता है, तो एक पूरे टाइम के दौरान बेसिकली एक टाइम, अगर मान लीजिए हम 10 दिन की मूविंग एवरेज की बात करें, तो पिछले 10 दिनों के अंदर में डेली चार्ट के ऊपर में कि 10 दिनों में प्राइस किस एवरेज पे ट्रेड कर रहा था, वो 10 दिन की मूविंग एवरेज कहलाएगी। अगर हम 50 डेज मूविंग एवरेज की बात करें तो पिछले 50 दिन की जो एवरेज रही है जिसके आसपास प्राइस घूमा है, वो भी 50 दिन की मूविंग एवरेज कहलाएगी। वैसे ही बहुत ही कॉमन मूविंग एवरेज हमारी जो और रहती है वो 100 डेज की कहलाती है। 200 डेज की बड़ी फेवरेट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हमेशा से देखते हैं कि 200 दिन से ऊपर प्राइस चल रहा है, 200 दिन की मूविंग एवरेज से प्राइस ऊपर चल रहा है, तो वहां पे उनको एक अच्छा खासा साइन मिल जाता है ट्रेड को बाय करके लेके जाने के लिए। यहां हम बात करने वाले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज के अंदर फर्क क्या है, मैं फॉर्मुला पे बिल्कुल नहीं जाऊंगा, बट आप ये समझ लीजिए कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस के थोड़ा चिपक के चलती है। समझ रहे हैं, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस के थोड़ा सा नजदीक में चलती है। इसको देखने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। चलिए मूविंग एवरेज को लगा लेते हैं ताकि समझ में आए। ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने गाइस, और यहां पे दोनों का फर्क आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, मूविंग एवरेज हम लगा लेते हैं और एक हम लगा लेते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। राइट, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आप करेंगे किसी भी ट्रेडिंग चार्ट पे आपको मिल जाएगा। दोनों के कलर को अलग कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक को हमने ब्लू कलर से ले लिया जो मूविंग एवरेज है, फॉर एग्जांपल 9 डेज की हम इनको मान लीजिए, जो स्विंग ट्रेडर्स हैं जनरली वो 50 डेज की मूविंग एवरेज को प्रेफर करते हैं, तो 50 डेज को या 20 डेज, जो आप पसंद आए। एक समझाने के लिए आपको समझ रहे हैं, 50 डेज की ही मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा लेता हूं जिसका कलर मैं कर देता हूं सपोज कीजिए रेड। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखिए थोड़ा प्राइस के पास चल रही है और जो मूविंग एवरेज जो प्राइस से थोड़ा सा दूर है, हमेशा से रेड जो लाइन है वो प्राइस के नजदीक में ही चलती आपको दिखाई देगी। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पे जो स्ट्रेटजी है वो मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर लगा रहा हूं। यहां मुझे आपको लगानी होंगी 3 मूविंग एवरेजेस। तो बेसिकली एक हमने लगा ली है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक बार और दो बार। जी हाँ, 3 तरह की मूविंग एवरेज इस्तेमाल करने वाला हूं एक्सपोनेंशियल, जिसमें पहला हम जो इनपुट करने वाले हैं वो करने वाले हैं 5 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दूसरा जो इनपुट देने वाले हैं वो हम देने वाले हैं 8 दिन की मूविंग एवरेज, और तीसरा जो इनपुट देने वाले हैं वो हम देने वाले हैं 13 दिन की मूविंग एवरेज। गाइस, अब आप कहेंगे 5, 8, 13 को ही क्यों इस्तेमाल किया है। जी हाँ, पहले हम इसको थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते ताकि आपको समझने में कोई इशू ना हो और सब कुछ बहुत ही क्लियरली विजिबल हो, ताकि कलर भी अलग है और सब चीजें अलग है। देखिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने लगा ली 3 तरह की, 5 दिन की, 8 दिन की, 13 दिन की। अब 5, 8, 13 है क्या? बेसिकली 5, 8, 13 ये कुछ नहीं है गाइस, ये दीज आर जस्ट फिबोनाकी नंबर्स। जी हाँ, अगर फिबोनाकी नंबर्स की बात की है तो आप कैसे फिबोनाकी नंबर्स को बनाते हैं? 0, 1, 0+1 इज 1, 1+1 इज 2, 2+1 इज 3, 3+2 इज 5, 5+3 इज 8, 8+5 इज 13। तो बेसिकली 5, 8, 13 ये कुछ नहीं है, सिर्फ दिस आर फिबोनाकी नंबर्स। तो आपको चौंकने की जरूरत नहीं है, फिबोनाकी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिबोनाकी को आप मूविंग एवरेज की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप ये एक तरीका अपनाने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज 5, 8, 13, नथिंग एल्स बट दी फिबोनाकी नंबर्स। अब आपको ट्रेड कैसे करना है ये समझने वाली बात है। अब आपको यहाँ पे 3 चीजें होंगी जो आपको समझनी होंगी। एक होगा नो ट्रेड जोन, एक होगा बाइंग जोन, एक होगा सेलिंग जोन। ठीक है, तो बाइंग जोन, सेलिंग जोन। अब आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, आपको ट्रेड कर लेना है। अब बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हम सिर्फ मूविंग एवरेज के बेसिस पे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा ऑप्शन चेन को स्टडी भी करना जरूरी है। वो हम बाद में किसी और क्लासेस में देख सकते हैं या बाकी किसी और सेशन में देख सकते हैं, बट यहां पे अगर आपको सिर्फ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बेसिस पे ही काम करना हो तो आप कैसे काम करेंगे वो आपको समझा रहा हूं। पर ध्यान से देखिएगा, जब तीनों मूविंग एवरेज
बेजिस बिल्कुल आपस में चिपक के चली हो, ये इनका संगम हो रखा हो बेसिकली। ये देखिए बिल्कुल आपस में चिपकी हो, बिल्कुल टाइट जोन में हो। तो यहाँ पे जो बॉटम होता है बेसिकली, यहाँ पे दोबारा से इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं, इस एरिया की अगर बात करें तो यहाँ पे जो बॉटम रहता है इस एक्युमुलेशन का, दिस इज कॉल्ड द एक्युमुलेशन फेज, एक्युमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब एक्युमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप बाइंग ट्रेंड में है, अगर आपको लग रहा है बाजार अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में चल रहा है तो आप बाइंग का ट्रेड लेंगे, अगर आपको लगता है बाजार डाउन ट्रेंड में है तो आप सेलिंग का ट्रेंड लेने की कोशिश करेंगे। ट्रेंड को आइडेंटिफाई कीजिए। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके लिए बहुत, आपके लिए एक और सिंपल तरीका है, मैं आपको समझा देता हूं, साथ साथ में उसको भी देखते चलेंगे। अगर मान लीजिए आप नॉर्मल कैंडल्स की बजाय, मैंने आपको पहले भी कहा हैकिंग सी कैंडल्स को अगर आप इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाजार अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। ये देखिए ये क्लियरली यहां पे डाउन ट्रेंड में था, यहां से बाजार अप ट्रेंड के अंदर में आया है, ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि हम हैकरेशी कैंडल्स को कैसे यूज करते हैं। तो जब हम नॉर्मल कैंडल्स को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं थोड़ी उनकी कैलकुलेशन और विजिबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंस हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। तो यहां पे जब हम बात कर रहे हैं कि बाजार में क्या किया जाए, अब इस एरिया के आसपास में अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप बेसिकली इसके लो को स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि इन तीनों मूविंग एवरेजेस में थोड़ा सा फर्क बढ़ने लग गया है, देखिए फर्क बोले तो जब आपको लगे कि ये जो कंसोलिडेशन था, ये जो कंसोलिडेशन यहां पे आपको दिखाई दे रहा था, ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ चलने लगे, जी हाँ ये देखिए ये बेसिकली एक तीनों आपस में भिड़ी हुई थी और जब ये ऐसे खुलने लगे, ऊपर की तरफ खुलने लगे, तो आपको यहां पे बाय करने की कोशिश करनी है और इस बॉटम का स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहां पे दिस विल बी योर स्टॉप लॉस फॉर द बाय ट्रेड। ऐसे ही जब आपको सेलिंग करनी हो, देखिए होगा क्या, यहाँ पे जो पांच दिन की मूविंग एवरेज है उसका कलर है रेड और आठ दिन की हमने रखी है ब्लू और 13 दिन की रखी हमने पर्पल। तो रेड ऊपर है, मतलब 5 दिन की जो सबसे छोटी मूविंग एवरेज होगी वो ऊपर होगी, उसके नीचे 8 दिन की होगी, उसके नीचे 13 दिन की होगी। जब 5 दिन की मूविंग एवरेज 8 और 13 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर चले तो हम इसको अप ट्रेंड की शुरुआत कह सकते हैं। वैसे ही जब 13 दिन की मूविंग एवरेज ऊपर हो, उसके नीचे 8 दिन की हो, 5 दिन की सबसे नीचे में रिवर्स हो जाए तो यहां पे आप लेंगे सेलिंग का ट्रेड, यहां पे बाइंग का ट्रेड और यहां पे सेलिंग का ट्रेड। तो बेसिकली यहां पे देखेंगे, यहां पे फिर कंसोलिडेशन होती है और आप देखेंगे जो रेड कलर की लाइन थी, रेड कलर की लाइन वो नीचे आ गई। आप देखेंगे 5 दिन की नीचे है, बीच में 8 दिन की है, फिर 13 दिन की ऊपर में। तो अब यहां पे ये जो कंसोलिडेशन थी, इस कंसोलिडेशन के हाई को आप स्टॉप लॉस बनाएंगे और एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि क्या ये सब पे एप्लीकेबल है, क्या सब पे चल जाता है, जी हां। ये तो निफ्टी की बात थी, अगर बैंक निफ्टी भी देखने की कोशिश करें तो बैंक निफ्टी पे भी बिल्कुल बढ़िया ट्रेड मिलेगा आपको। ये देखिए इस जोन के आसपास में आके अगर आप देखने की कोशिश करें तो यहां पे एक सेल ट्रेड ट्रिगर हुआ था क्योंकि यहां पे 5 दिन की मूविंग एवरेज नीचे आ गई थी और 13 दिन की मूविंग एवरेज ऊपर आ गई थी, 8 दिन की हमेशा से बीच में ही रहेगी। और यहां पे इस कंसोलिडेशन के आसपास में आप देखेंगे 5 दिन की मूविंग एवरेज ऊपर निकल गई, 13 दिन की नीचे है, 8 दिन की बीच में है। तो जब भी ऐसे सिनेरियो बनते हैं तो ये कंसोलिडेशन के बॉटम को आप स्टॉप लॉस लगा के या बॉटम से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं। और जब ये कंसोलिडेशन आपको लगे जब बिल्कुल चिपका हुआ मोड था तो यहां पे जो भी रिसेंट हाई रहा हो इस हाई को आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इसको शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। यहां पे देखिए फिर से कंसोलिडेशन और फिर से मूविंग एवरेज आपस में एकदम चिपक गई है और यहां पे फिर 5 दिन की ऊपर निकल आई है, 8 दिन की बीच में आ गई है, 13 दिन की नीचे, तो यहां पे एक बाय ट्रेड बना। यहां पे फिर से कंसोलिडेशन है, जब तक यहां पे या तो प्राइस ऊपर की तरफ खुले या प्राइस नीचे की तरफ खुले तो आप उसके बेस पे ही आप ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो यहां पे हाई या लो का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा नेक्स्ट ट्रेड के लिए। चलिए देखते हैं क्या ये किसी स्टॉक पे भी एप्लीकेबल है, वो देख लेते हैं। रिलायंस को देख लेते हैं, मेरा फेवरेट स्टॉक है रिलायंस, और रिलायंस के अंदर भी किसी भी स्टॉक पे बहुत ही ब्यूटीफुली आपको स्विंग मिलेगा। इस डेली चार्ट पे इसको यूज कीजिएगा, डेली चार्ट पे ही आपको परफेक्ट स्विंग मिलेगा। देखिए यहां जब तीनों मूविंग एवरेज आपस में कंसोलिडेट कर रही थी तो ये जो बॉटम था यहां पे, इस बॉटम का अगर स्टॉप लॉस लगा के यहां परचेज करते इस कैंडल के आसपास में, जब कोई कैंडल इस संगम कहेंगे बिल्कुल जो ये तीनों मूविंग एवरेज आपस में जुड़ गई हैं, इस संगम के बॉटम को हम स्टॉप लॉस लेंगे बाइंग करने के लिए। और कोई कैंडल, कोई भी एक कैंडल इस संगम से अगर ऊपर, इस कंसोलिडेशन से ऊपर बन जाती, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, आप यहां पे बाय कर सकते हैं। ये भी थोड़ा सेफ ट्रेड रहता है। तो यहां पे देखिए फिर यहां से लेके यहां तक का कितना बढ़िया आपको इतना अच्छा स्विंग मिला है, मतलब मोटा मोटा 2100 रुपए से लेके और 2700 रुपए का 600 पॉइंट का आपको पूरा स्विंग मिला रिलायंस के अंदर में। फिर जब दोनों तीनों मूविंग एवरेज आपस में फिर से कंसोलिडेट करने की कोशिश करती हैं, आपस में फिर से चिपक जाती हैं, फिर से आप एक किसी एक कैंडल को बनने की वेट कीजिए कि उससे मूविंग एवरेज से नीचे बने, तो यहां पे फिर से देखिए आप 13 दिन की मूविंग एवरेज ऊपर है, 5 दिन की नीचे है और 8 दिन की बीच में है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो फॉर बाय ट्रेड
पांच आठ तेरह, पांच ऊपर रहेगी, आठ बीच में रहेगी, तेरह नीचे रहेगी। और सेलिंग के ट्रेड के लिए तेरह दिन के ऊपर रहेगी, आठ दिन के फिर बीच में रहेगी, पांच दिन की मूविंग एवरेज फिर से नीचे रहेगी। गाइस ये स्ट्रेटेजी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको यूज करके देखिए, स्विंग ट्रेडिंग में बहुत कामयाब है। वन डे चार्ट पे यूज कीजिएगा। जब ये वापस रिपीट कर रहा हूं, संगम जो होता है, संगम जो कंसोलिडेशन होता है, उसी के बॉटम को आप स्टॉप लॉस लगाएंगे बाय के ट्रेड के लिए, कंसोलिडेशन के हाई को आप स्टॉप लॉस लगाएंगे सेलिंग ट्रेड के लिए। और जब तक एक कंसोलिडेशन से दूसरा कंसोलिडेशन नहीं मिलता, यू कैन राइड द ट्रेंड इजिली एंड यू कैन टेक हेल्प ऑफ फिबोनाची कैंडल टू कंटिन्यू रीडिंग द ट्रेंड, की ट्रेंड कैसा चल रहा है, अगर उस ट्रेंड में बने रहना है या नहीं बने रहना। तो दिस स्विंग ट्रेडिंग इज वेरी वेरी पावरफुल स्ट्रेटजी फॉर स्विंग ट्रेडिंग। एंजॉय कीजिए, पैसा बनाइए, सट्टे को छोड़ दीजिए, एक एक मिनट में दो दो मिनट में ट्रेड डालने में कोई मजा नहीं, जो मसली मजा वो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर गाइस। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की बारीकी सीखना चाहते हैं तो नीचे चल रहे हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत जल्दी हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली, पहली क्लास दिल्ली में होगी गाइस, टाइम शेड्यूल बहुत जल्दी अनाउंस करने वाला हूं। आप हमें पर्सनल क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दिल्ली में हमारा ऑफिस है। और वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्तों शेयर कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज पे सबका अधिकार है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट वी कैन मीट ऑलवेज। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।